नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नींबू के प्रयोग से आप कैसे गोरी त्वचा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि नींबू से गोरी त्वचा पाने के कुछ चमत्कारिक उपाय। दोस्तों, ये माना जाता है कि हमारा रंग रूप व शरीर सब ईश्वर खुद बनाकर भेजता है, और देखा जाए तो चेहरे की जो सुंदरता सांवले रंग में दिखती है वो गोरे रंग में कहाँ। लेकिन आजकल ना जाने क्यों हर इंसान गोरा रंग पाने के लिए उतावला रहता है। अगर इंसान अपनी सांवली त्वचा को ही अधिक स्वस्थ, आकर्षक और साफ बनाने की कोशिश करे तो यकीन मानिए कि वह गोरे इंसान से यानी कि गोरी लड़की से अधिक आकर्षक दिखाई देंगे। वैसे भी हम गोरी त्वचा पाने के लिए कई प्रकार के झंझट करते हैं, जैसे कि दिन में 4 बार चेहरे को धोना, सुबह उठते ही फेस वॉश करना, फिर स्क्रब लगाना, कभी ब्लीच लगाना, तो कई बार चेहरे को भाप देना और फिर क्रीम को अनेक तरह से अपने चेहरे पर लगाना। इतने सारे केमिकल का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा को गोरा रंग तो दूर, ना जाने कितने साइड इफेक्ट होने का खतरा बन जाता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसे घरेलू प्राकृतिक टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी सांवली त्वचा को बेहद आकर्षक और सुंदर बना लेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कभी भी आप प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं, उससे पहले आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि आपके चेहरे पर जमी सारी धूल मिट्टी हट सके। अगर ये धूल मिट्टी ना हटाई जाए तो इससे आपका चेहरा काला पड़ सकता है। और चेहरे को साफ करने का सबसे बढ़िया प्राकृतिक तरीका होता है मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग। मुल्तानी मिट्टी को आप अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मल लीजिए और फिर उसे अपने हाथों से हल्के हल्के मसाज कीजिए और अपने चेहरे की सारी गंदगी उससे बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद ठंडे पानी से आप छपके लगाइए और सारी मुल्तानी मिट्टी को हटा लीजिए। ये एक ऐसा प्राकृतिक तरीका होता है, इससे चाहे आप दिन में 4 बार या 5 बार भी अगर अपना मुंह धोएंगे तो इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और हर बार आपका चेहरा एक नई रंगत के साथ उभर कर आएगा। इसके बाद आपको प्राकृतिक ब्लीच का इस्तेमाल करना है, और उसके लिए नींबू से बेहतर और क्या हो सकता है। आयुर्वेद और घरेलू उपायों में नींबू का अहम स्थान होता है, इसीलिए जब भी त्वचा में निखार की बात आती है तो सबसे पहले नींबू की तरफ ही ध्यान जाता है। नींबू में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इसे प्राकृतिक रूप से ब्लीच करने में सक्षम बना देते हैं, और नींबू का प्रयोग करने की सबसे गजब की बात यह होती है कि इसको इस्तेमाल करने के असंख्य तरीके होते हैं, जिनमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसे सीधे ही अपने चेहरे पर लगा लीजिए। नींबू को अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मल लीजिए और उसे फेस वॉश की तरह अपने चेहरे पर रगड़िए। कुछ देर इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दीजिए और करीब 4 से 5 मिनट के बाद ठंडे पानी से आप अपने मुँह को धो लीजिए। शुरू शुरू में आप इस प्रयोग को दिन में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद आप प्रतिदिन 1 बार नींबू से अपने चेहरे को अवश्य साफ कीजिए। इससे कुछ ही हफ्तों में आपका चेहरा निखर जाएगा, वह आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार का ग्लो दिखाई देने लगेगा। नींबू के दूसरे गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसे संतरे के छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आप अपने चेहरे का ग्लो बरकरार रख सकेंगे। इस उपाय में आप कुछ नींबू और संतरे के छिलके लें और उन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं तो आप इन्हें पीसकर इनका चूर्ण तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप बिना मलाई का दूध लीजिए और उस चूर्ण को इस दूध में अच्छी तरह से मिश्रित करके एक गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिए। इस लेप को आप अपने चेहरे पर लगाइए और करीब 10 से 15 मिनट तक इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद आप इसे गुनगुने या फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इस उपाय को आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही करना होता है। इस उपाय को करने से आपकी त्वचा में ऐसा ग्लो आ जाता है कि हर देखने वाले की नज़र सिर्फ आप पर ही टिक जाती है, यानी कि इससे आप अपने चेहरे को रेडियंट व आकर्षक बना सकते हैं। नींबू के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसको आलू बुखारे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी त्वचा को साफ और कोमल बनाने के लिए आप नींबू और आलू बुखारे के रस को निकाल लें और इसे उबले हुए आलू के साथ मिला लें। जब उबले हुए आलू में कोई गांठ ना बचे तब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ समय के बाद इसे धो लें।
लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उबले हुए आले को अच्छी तरह से पीस लें और उसके अंदर आप रस को इस प्रकार से मिलाएं कि वह एक गाढ़ा लेप तैयार हो जाए। ये प्रयोग आपके चेहरे को एक आकर्षक लुक प्रदान करने में बहुत ही गजब का मददगार होता है। इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आप दही के प्रयोग से अपने चेहरे को आकर्षक बना सकते हैं। दही में भी अनेक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं, इसीलिए आप रोजाना कुछ देर दही से अपने चेहरे पर मालिश कर सकते हैं। दही के नित्य प्रयोग से आपके चेहरे पर रौनकता आ जाती है। नींबू के रस से गोरी त्वचा पाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि टमाटर और नींबू का रस मिलाकर भी आप एक लेप तैयार कर सकते हैं और अपने चेहरे को आकर्षक लुक दे सकते हैं। इस उपाय के अनुसार आपको एक टमाटर का रस निकाल लेना है और उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल देनी है। अब इस मिश्रण को आप अच्छी तरह से मिश्रित कर लीजिए और इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए और कुछ देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद इसे आप ठंडे पानी से धो लीजिए। नींबू चेहरे की अनेक समस्याओं को दूर करता है और टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट व पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो चेहरे को गोरा और बेदाग रखने में गजब का सहायक होता है। इस लेप का अगर आप कुछ ही दिन उपयोग कर लेंगे तो आप अपने चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का ग्लो देख सकेंगे। नींबू के रस से गोरी त्वचा पाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एक अंडे की जर्दी, नींबू का रस, कच्चा दूध और मसूर की दाल का प्रयोग करेंगे तो आप अपने चेहरे की रंगत को निखार सकेंगे। इस उपाय में आपको एक अंडे की जर्दी लेनी है और नींबू का थोड़ा सा रस ले लीजिए, यानी कि आधा चम्मच नींबू का रस ले लीजिए और आधा चम्मच कच्चा दूध और कुछ मसूर की दाल का पाउडर ले लीजिए। इन चारों चीजों को आप अच्छी तरह से मिश्रित करके एक गाढ़ा लेप तैयार कर लीजिए। इस लेप को आप रोजाना अपने चेहरे पर लगाकर इसे सुखा लीजिए और सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे आपका चेहरा खिल उठेगा और चेहरे की त्वचा भी साफ होने लगेगी। इस लेप के कुछ ही दिन प्रयोग करने से आपके चेहरे की मृत कोशिकाएं दूर हो जाती है और आपका चेहरा यंग व रेडिएंट हो जाता है। अगर आपके आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए हैं तो इसके लिए हम आपको एक गजब का कारगर उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों के नीचे के काले घेरों को हटा सकेंगे। आंखों के नीचे काले धब्बे की समस्या से न जाने कितनी स्त्रियां परेशान रहती हैं, जबकि आप इस समस्या से घर बैठे ही छुटकारा प्राप्त कर सकती हैं। इन धब्बों से मुक्ति पाने के लिए बस आपको कच्चे आलू की कुछ फांकों को आंखों के नीचे नियमित रूप से 15 दिनों तक रगड़ना है। इससे आपकी समस्या चुटकियां बजाते ही छूमंतर हो जाती है। नींबू के प्रयोग से आप अपनी त्वचा की खुश्की भी दूर कर सकते हैं। कभी कभी त्वचा में अधिक खुश्की हो जाती है, किंतु इस स्थिति में आप लाल टमाटर के साथ थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और नींबू का रस मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर सकते हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर नियमित रूप से लगाने से आपको बहुत जल्द खुश्की से आराम मिल जाता है और ये लेप आपकी त्वचा को हाइड्रेट कर देता है और आपकी खुश्की इससे दूर हो जाती है और इसके साथ साथ आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो बरकरार हो जाता है। नींबू से गोरी त्वचा पाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आप चने का आटा इसमें मिलाकर गोरी त्वचा को प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको नींबू के रस में थोड़ा सा गुलाब जल और चने का आटा मिला लेना है और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को आप दिन में एक बार अवश्य अपने चेहरे पर लगाएं और कम से कम इसे 20 से 25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के पश्चात आप इसे साफ पानी से धो लीजिए। इस पेस्ट के नियमित प्रयोग करने से आपकी त्वचा में निखार आ जाता है। चेहरे को निखारने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हल्दी और बेसन के प्रयोग से किस प्रकार आप अपने चेहरे को निखार सकते हैं। इस उपाय में आपको एक कटोरी में थोड़ी हल्दी और थोड़ी मलाई ले लेनी है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेसन या फिर आटा मिश्रित कर लीजिए। इन तीनों चीजों को आप अच्छी तरह से मिश्रित कर लीजिए। इसके बाद 10 मिनट तक इसे आप अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। उसके बाद इसे आप साफ पानी से धो लीजिए। इससे भी आपकी त्वचा में बेहतरीन निखार आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी नींबू से गोरी त्वचा पाने के चमत्कारिक नुस्खे के बारे में अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।